very unfortunate. Indian Penal Code कहता है तो हर स्टेट में अगर ऐसा ही संसद में स्पीच वॉर का नजारा देखिए। राहुल गांधी ने सरकार की जमकर खिंचाई की थी तो बारी पलटवार की भी आई। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम। जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले दो सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला। और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं। हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, चार मेंबर होंगे, तीन मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं? ना ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। स्टॉप द कॉन्वर्सेशन एंड द नेशन डाइज। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बनेंगे बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है, ये इंफेरिटी है। अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। ये भी बात है, देखिए देखिए, कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है, कुछ लोगों का ऐसा रहता है। जिक्र 2013 के उस घटना का भी हुआ जिसे लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठते रहे हैं। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलेटरल टॉक होना था, देश के सम्माननीय नेता थे, हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान सम्मान आदर। अब सवाल यही है कि वार पलटवार के इस माहौल में क्या पेंडिंग बिल्स के पास होने का रास्ता बन पाएगा? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट का आज का एडिशन। वार दमदार था लेकिन पलटवार भी जमकर हुआ, क्योंकि संसद में नजारा पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी का था, लेकिन सरकार विपक्ष के इस वार पलटवार में जो बात सबसे अहम थी वो ये थी कि संसद चले, देश हित में कामकाज हो। शायद इसलिए जिक्र पंडित नेहरू का भी हुआ, इंदिरा गांधी का भी हुआ और स्वर्गीय राजीव गांधी का भी हुआ, लेकिन क्या ये मुमकिन है
क्योंकि संसद में टकराव भी दिखा और जुगलबंदी भी जोरदार दिखी। कार्तिक चिदम्बरम से लेकर इशरत जहां तक सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जनता का भी है, यानी आपका भी है कि क्या सरकार और विपक्ष मिलकर देश के अच्छे दिन ला पाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट बजट सेशन मोदी वर्सेस गांधी। और मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है इस पर डिबेट करने के लिए, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी राजीव त्यागी, सुधीन भदौरिया, स्पोक्स पर्सन बहुजन समाज पार्टी आबे दुबे, सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर राकेश कपूर, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं पिछले 25 सालों से भी ज्यादा, मेरे साथ इस समय स्टूडियोज में बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले किन मुद्दों पर संसद में संग्राम है, आमने सामने है सरकार और विपक्ष, मैं आपको बताता हूं। पहला मुद्दा एआईडीएमके का है, ये बीजेपी का नहीं है। कार्ति चिदम्बरम जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं, सपुत्र हैं, पर अवैध संपत्ति के आरोप, कार्ति चिदम्बरम पर कड़ी कार्रवाई की मांग है। ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन कांग्रेस एंड एआईडीएमके। सरकार के पाले में गेंद है। किन मुद्दों पर संसद में संग्राम है, कांग्रेस का बड़ा मुद्दा क्या है, स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर हंगामा, विपक्ष का आरोप रोहित विमला पर संसद में गलत जानकारी दी गई, बीजेपी सांसद आरएस कथेरिया के कथित भड़काऊ भाषण पर हंगामा, अनार पटेल जो कि आनंदीबेन पटेल की बेटी हैं, अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर को सस्ते में जमीन दिए जाने का विवाद, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव दिए जाने का आरोप, गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल की बेटी है अनार पटेल, इसको भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, इशरत जहां पर तो जोरदार खुलासे हो रहे हैं, अमित शाह जो कि मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री है, उनको किस तरह से पॉलिटिकली टारगेट किया गया पिछले 10 सालों से, और अब जो खुलासे हो रहे हैं जो कुछ आईबी के ऑफिशियल्स कर रहे हैं, कुछ गृह मंत्रालय के रिटायर्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, वो खुलासे अपने आप में काफी हैं जो कांग्रेस को बड़े सवालों में घेरते हैं। और पी चिदम्बरम जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सवाल खड़ा करते हैं। इशरत जहां के मामले पे कांग्रेस बुरी तरह से फंसी हुई है, बैकफुट पर है। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस को कार्ति चिदम्बरम के मुद्दे पर भी घेर रही है, यानी पी चिदम्बरम के मुद्दे पर भी घेर रही है। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करता हूं अनिल बालूनी से। अनिल बालूनी, पहले वार हुआ और आज पलटवार हुआ, कई सारे मुद्दे निकले, कई सारी बातें निकली, लेकिन जनता का एक सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अच्छे दिनों की बात, जो अच्छे दिनों का वादा आपने किया था, उसकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी क्या? बड़ा सवाल वही है। फेयर एंड लवली को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए अमित जी, आज प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला है और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे जो अपना भाषण दिया है, मैं ये मानता हूँ, और आज मैं संसद भवन में भी था, जितने भी पत्रकार मित्र और जितने अन्य लोग भी मिले, उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन भाषणों में से एक भाषण था आज प्रधानमंत्री जी का, बहुत अच्छा बोले। सरकार ने जो पिछले अभी जो अपना 1.5-2 साल का जो समय निकला है, उस दौरान क्या क्या काम किए, विकास को कैसे गति दी है, इसके ऊपर विस्तार से बताया जी। विपक्ष को जो उनके सवाल उठाए उनको बेनकाब किया, और साथ में जो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है उसमें भी कहा कि देखिए भाई, हम नए हैं, आप लोग सहयोग कीजिए, कदम मिला के चलना होगा, विकास की गति को बढ़ाना होगा, हमारी राजनीतिक विद्वेष जो भी हो, राजनीतिक विरोध जो भी हो, उनको छोड़ दीजिए, देश के लिए जो बिल है, अहम बिल है, उनको पास होने दीजिए, जो महत्वपूर्ण काम है विकास से जुड़े उनको होने दीजिए, राजनीति कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रोकिए मत, उसको होने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन ना समझ कौन है, समझ कौन नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री का इशारा राहुल गांधी की तरफ था। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा समझने वाले जो जो समझेंगे, हर आदमी की अपनी अलग सोच है, अभय जी बैठे हैं उनकी अलग सोच होगी, राजीव त्यागी की अलग सोच होगी, शब्दों से जो निकाला बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, जिसने जो पढ़ना वो पढ़िए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बताया बालूनी साहब, टारगेट तो राहुल गांधी पर ही किया गया था। सरकार में रेलवे लाइन कितना बनती थी, सुनिए,
देखिए 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 मैं कह रहा हूँ ना, जिसने जो पढ़ना वो पढ़िए, नाम कुछ नहीं लिया गया, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकार में कितनी किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, अब कितनी बनती है, दोगुनी से भी ज़्यादा बनती है, पिछली में कितनी सड़क बनती थी, इसमें नेशनल हाईवे कितना बनता है, पूरा विकास का जो जी, जो सरकार का जो थ्रस्ट है हमारा वो पूरा बताया और देश ने देखा है और मुझे लगता है लोग संतुष्ट है प्रधानमंत्री जी के भाषण से। राजीव त्यागी फेयर एंड लवली की बात करके वार कर फंस गई कांग्रेस, या फिर कहे तो राहुल गांधी, क्योंकि जो आज पलटवार हुआ उसके आगे कहीं ना कहीं कई तर्क ढीले पड़ते हुए देखे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए एक बात बहुत बढ़िया कही अभी अनिल बलूनी जी ने कि बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए सभी लोग बाग स्वतंत्र हैं, तो बिटवीन द लाइंस आप भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं कि इसमें कौन जीता कौन हारा, लेकिन व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स ना करके इस वक्त अगर जी बिजनेस चैनल पे, जो कि सम्मानित चैनल है बिजनेस वर्ल्ड का, उस पर आंकड़ों के सब मत बहस करें हम लोग बाग, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो रेलवे बजट हो, तो बेहतर होगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे मोदी जी की कलाई खुलेगी और भारतीय जनता पार्टी की नीति खुलेगी। पहला आंकड़ा मनरेगा को लेकर है, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बजट इस बार हमने आवंटित किया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 11-12 में करीब करीब 40,100 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने एलोकेट किया था मनरेगा के लिए, अभी सिर्फ 38,500 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। क्रॉस बजटरी सपोर्ट जो रेलवे को चाहिए होता है वो 1,94,000 करोड़ रुपए चाहिए था 5 साल में, 2012 से 2017 के बीच में, उसमें अभी भी 35% बजट जो है ना अभी शॉर्टफॉल है और मोदी जी ने उसमें बजट में कोई प्रावधान रेलवे के लिए नहीं किया है। बैंकों के एनपीए जो है वो 4,00,000 करोड़ के आसपास के हैं, जिसमें से 1,21,000 करोड़ रुपए के एनपीए सरकार उद्योगपतियों के माफ कर देना चाहती है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं। तो ये सूट बूट की जो सरकार है निश्चित रूप से आत्महत्याओं में, किसान की आत्महत्याओं में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है आत्महत्याओं में। बलोनी जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप मुझे दो मिनट, मुझे अभी राजीव त्यागी कंप्लीट योर। दूसरी बात आपने कहा कि हमने जो बजट दिया है वो बजट जो है किसान उन्मुख है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा फूड सब्सिडी पे 5,000 करोड़ रुपए कटे थी आपने बैकडोर से की, 2015-16 में 1,39,419 करोड़ की थी, जो घटकर के 1,34,835 करोड़ की हो गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए, किसान फर्टिलाइजर लगाता है तभी जाकर के हम अन्न खा पाते हैं, उसको देखें तो आप 72,438 करोड़ पिछले राजीव त्यागी 72,000 करोड़ है, करीब 2,500 करोड़ आप राजीव त्यागी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप अभी तक सत्ता में नहीं आए, पिछले 50 सालों में 60 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है और आप सरकार में नहीं आए।